देखिए अवस्था के अनुसार मनुष्य के शरीर में भाव बदलते हैं और इसको चिकित्सा विज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो इसको हार्मोन्स का परिवर्तित होना कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो एक मासूम होता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें दो तरह की भावनाएं विकसित होती हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। उसके अंदर प्रेम का स्फुरण होता है, जोश होता है कुछ कर गुजरने का। उसका प्रेम दो भागों में जाता है, एक तो वो जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, लड़कियों में लड़कों के प्रति और लड़कों में लड़कियों के प्रति बचपन किशोरावस्था में आकर्षण बढ़ने लगता है। दूसरा उसका आकर्षण आध्यात्मिक होता है। हर व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था में कुछ पल अवश्य आते हैं जिसमें वो वैराग्य की तरह मुड़ता है। हर महापुरुष का जीवन देखिए, जिसने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया है, सुभाष चंद्र बोस भी कुछ समय के लिए हिमालय चले गए, नरेंद्र मोदी भी कुछ समय के लिए हिमालय चले गए थे, ये लोग गृहस्थी बने बाद में। जो समाज में नहीं आ पाते हैं उनके भी जीवन में समय अंतराल ऐसा आया होता है जब वो सोचे होते हैं कि नहीं सब छोड़ छाड़ कर हम परमात्मा की शरण में चले जाए, वैराग्य ले जाए। लेकिन ये प्रभाव कुछ समय के लिए रहता है। यदि समाज का वैसा आध्यात्मिक संस्कार मिला, पूर्व जन्म के आध्यात्मिक संस्कार प्रबल हो गए तो वो विरक्त बन जाता है, अन्यथा माया के बंधनों में पुनः पड़ जाता है। उसका कारण यही होता है कि उसको प्रेम की चाहत होती है। यदि आध्यात्मिक संस्कार प्रबल नहीं होते तो भौतिक संस्कार में वो ताने बाने बोलने लगता है। युवावस्था होते होते उसकी विचारधारा ये होती है कि मैं एक परिवार में बसाऊंगा, सुंदर पत्नी लाऊंगा, लड़की सोचती है कि मैं सुंदर पति खोजूंगी, अच्छा घर बार होगा, ये सोच दो भावनाएं प्रबल होने लगती। किशोरावस्था में बच्चों को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी कला होती है। चाणक्य ने कहा है कि जब बालक 16 साल से ऊपर का हो जाए तो उसे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, 8 साल तक उसको कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। आप उसकी पिटाई भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, 12 साल तक भी अनुशासन करना पड़ता है। जब वो 12 साल से ऊपर होने लगता है तो उसकी भावनाएं बदलने लगती है। जो आप 12 साल से पहले व्यवहार कर रहे थे वो 12 साल के बाद नहीं कर सकते। जब वो 16 साल का हो जाए तो पिता को चाहिए कि उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। 16 साल की उम्र बीतने के बाद यदि आप डंडे उठाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। 10 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में डंडे से पीट भी देंगे तो भी बच्चा सह लेगा। यदि 16 साल की उम्र के बाद आप डंडा उठाते हैं या सबके बीच में उसको अपमानित करते हैं तो हो सकता है वो विद्रोही भावना भी लेकर के बढ़ जाए। तो आज का युवक जो है द्वंद्व में जूझ रहा है। द्वंद्व क्या है? वो वैज्ञानिक तकनीक से प्रभावित है, रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं करना चाहता और उसका मन काफी कुछ विद्रोही स्वभाव का बन चुका है। वो देखता है कि धार्मिक क्षेत्र में भी विवाद चल रहे हैं, धार्मिक गतिविधियों में कई जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती है, कई बड़ी बड़ी हस्तियों को आचरण विहीन करते हुए देखता है तो उसका मन विद्रोही होता है और सोचता है कि मैं इनके खिलाफ कुछ कर जाऊं। लेकिन उसका एक कोमल पक्ष भी है, यदि युवा संतुष्ट हो जाता है तो अपना सबसे ज्यादा निछावर भी वही देता है। जैसे जबकि वस्तेवा के संस्थान में आप जाकर देखिए सबसे ज्यादा युवा मिलेंगे, उन युवाओं की एक प्यास होती है। यदि आपने उस प्यास को बुझा दिया तो युवा वर्ग अपनी पूरी शक्ति के साथ उसमें जुड़ जाता। देखिए वृद्धों की मानसिकता अलग होती है, जो वयोवृद्ध है बहुत ज्यादा उनकी मानसिकता अलग होती है। किसी भी वृद्ध से पूछिए कि वर्तमान में कैसा चल रहा है तो कहेगा कि सब खराब चल रहा है। उससे पूछिए कि जब आप युवा थे तो कैसा था, उस समय सब ठीक था। हर व्यक्ति को अति प्रिय होता है, वर्तमान प्रिय नहीं होता। आज जो युवा हो चुके हैं उनसे पूछिए कि बच्चे कैसे हैं, कि बिल्कुल बिगड़ गए। उनसे पूछिए जब तुम बच्चे थे तुम क्या करते थे, हम तो सब ठीक करते थे।
कोई भी दूसरे को अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही अच्छा है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपना अतीत प्रिय लगता है, वर्तमान प्रिय नहीं लगता। वर्तमान में हर कोई खेद प्रकट करता है, क्योंकि वर्तमान का शासन उसके हाथ में नहीं होता। युवक को अपने समय की किशोरावस्था की मस्ती याद है, कहेगा कि हम लोग ये करते थे, ये करते थे, लेकिन वही कार्य दूसरे को करते हुए देखता है तो खींच जाता है, कहते हैं कि सब बिगड़ चुके हैं। वृद्ध कहेंगे कि सारे नौजवान आज के बिगड़े हैं, लेकिन वो अपनी नौजवानी में इनसे भी गलत काम करेंगे तो कहेंगे कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। तो आप यदि उम्र के अनुसार उनकी मानसिकता को पहचानेंगे, जैसे वृद्ध के साथ क्या होता है, वो रूढ़िवादिता के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। उसने ये धारणा बना ली है कि मेरी सारी उम्र तो गुजर गई, अब थोड़े साल बाकी हैं, क्यों झंझट में पड़ूंगा। देखिए क्या होता है, वृद्धावस्था में लग रहा है कि मेरे जीवन का दीप बुझने जा रहा है, तो वो किसी से बैठ क्यों लेगा, झंझटों में नहीं फंसने जाएगा। वो जिसको मानता है सोचता है कि अब तो उम्र बीत गई, अब इनको छोड़कर दूसरे की बात को सुन। किशोर चाहता है कि मुझे सच्चाई मिले, वो सीधे साधे समझौता नहीं करेगा। किशोरों के सामने और युवाओं के सामने किसी की विरोध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किशोर या युवा सारी बात को नहीं जानता है। उसके मन में धारणा कर जाएगी कि ये बार बार बुराई कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी बुराई के करने के संस्कार हैं, गलती इनके हाथ से हो रही है, वो खींच जाएगा। हाँ, ये देखिए शांति का जो दीपक जलता है वो युद्ध के तेल से ही जलता है, बिना युद्ध की शांति नहीं हो सकती। महाभारत का युद्ध नहीं होता तो क्या होता है, कौरव पांडव में जीवन पर द्वेष बना रहता है। रामायण का युद्ध नहीं होता तो सीता को अशोक वाटिका में रहते रहते सारी उम्र गुजार देनी पड़ेगी। महाभारत का युद्ध अवश्य भाई था, अर्जुन यही तो चाहते थे कि मैं भिक्षुक बनकर सन्यासी बनकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन विष्णु पितामह द्रोणाचार्य पर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं अपने ही परिवार के लोगों को नहीं मारूंगा। वही अर्जुन है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं यही कर लूंगा, भीम ने भी प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन जब सामने दोनों पक्षों में देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में मेरे ही लोग हैं, इन्हीं को अपने हाथों से मैं कैसे मारूंगा, जिस भीष्म पितामह की गोद में मैं बैठा हूँ, द्रोणाचार्य की गोद में बैठा हूँ, उनको एक बार बाण कैसे मैं चलाऊंगा। लेकिन अर्जुन से कृष्ण कहते हैं तुम्हें चलाना होगा, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे कहने का से क्या है, हम किसी को जब प्रबोधित करते हैं तो उसकी मानसिकता को समझना आवश्यक है। जैसे अभी कल एक वीडियो में देख रहा था, उस वीडियो में जैसे आम तौर पर सुंदर साथ बोला करते हैं, एंकर आप एंकरिंग कर रही हैं 8 महीने की हैं, तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। उसमें बहन जी ने बोला है कि ये मूल मिलावा है, कुरान में इसका वर्णन हुआ। तो ये बात देखिए, आजकल क्या है, कुरान बहुत बदनाम हो चुका है आतंकवाद के कारण। मुसलमानों ने कुरान की व्याख्या की गलत की। मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को कुरान दिया लेकिन अर्थ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अर्थ इमाम मेहदी जब आएंगे तब तो बताएंगे। इन्होंने व्याकरण जोड़ जोड़ कर उल्टा पुल्टा अर्थ कर लिया है, तो कुरान का हवाला देकर ही सारे संसार में आतंकवाद फैला रहे। अब जब हम किसी को कहते हैं कि कुरान में लिखा है, तो 90% हिंदू इसमें कुरान को मानने के लिए तैयार नहीं, या क्रिश्चियन, क्योंकि इनका जो मुसलमानों का इतिहास है खून से भरा हुआ। बाबी विचारधारा प्रारंभ से चल पड़ी, मुआविया के समय से, यजीद के समय से। हजरत अली जिनको मोहम्मद साहब ने कहा था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकार अली को सौंपना, अली की बेटी को कुछ समय के बाद ही जला के मरने के लिए विवश किया गया, उनके घर को जला दिया गया, दरवाजे के नीचे वो आ गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए हसन हुसैन को मारा, मोहम्मद साहब की बेटी को नहीं बख्शा, उनके दामाद को अली को नमाज पढ़ते समय मारा, किसने मारा, बाबी विचारधारा वालों।
और वही वहाबी आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आतंकवाद आईएसआईएस का ग्रुप नहीं कह रहा, सुन्नी मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो कहने का से क्या है, जब कोई व्यक्ति सोचता है कि कुरान में लिखा है तो उसका मन पहले ही खटक जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुरान की आयतों का ही अर्थ देखिए उसमें क्या लिखा है कि जब आप जन्नत में जाएंगे अर्श में जाएंगे तो आपको 72 गुणे मिलेंगे। तो प्रश्न ये है कि महिलाएं जाएंगी कि नहीं, यदि जाएंगी तो उनको क्या मिलेगा, उनको तो हूरों से मतलब नहीं है। टीवी पर भी एक बार आ रहा था, एंकर ने पूछ दिया कि चलिए आप पुरुष हैं आप जाओगे तो आपको होरे मिलेगी, हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे। तो कहा कि आपको अच्छे शौहर मिलेंगे। उसने कहा कि शौहर तो यहाँ पर भी है, यहाँ हम दुखी हैं शौहर से, तो वहाँ अर्श में भी हमें शौहर के अधीन ही रहना है, तो हमें ऐसे अर्श की क्या जरूरत है। अब उनको पता तो है नहीं मौलवी लोगों को कि अब वो क्या लिखते हैं कि जब हम जन्नत में जाएंगे तो इसी पशु का पक्षी का मांस खाने को मिलेगा, ऐसी शराब मिलेगी। यदि मांस खाना है शराब पीना है बहत्तर हूरों को लेकर के आनंद भोगना है तो ये तो माया की दुनिया में हो रहा है। पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति कुरान की स्टीका को पढ़कर के संतुष्ट है। वाणी में जो क्यामत नमा मार्ग सागर का जो ज्ञान दिया था, यदि हमारे पास विद्वान रहे होते संसार में, हम उस विचारधारा को फैलाए होते तो संभवतः कुरान की सच्चाई लोगों तक पहुंचती। अब हम नई जगह किसी को हम परिचय दे रहे हैं तो हमें हर बात में कुरान नहीं करनी चाहिए। जब कुरान कहते हैं तो पुराण संहिता या माहेश्वर तंत्र जोड़ दीजिए कि हमारे हिंदू ग्रंथों में पुराण संहिता माहेश्वर तंत्र में ऐसा लिखा है, वेद में लिखा है और कुरान में भी लिखा है। जब सबको कहेंगे तो ठीक लगेगा, केवल कुरान कुरान कहेंगे तो 90% हिंदू भीतर जाएंगे कि ये तो मुसलमान है और हमको मुसलमान बनाने के लिए आए, आपकी बात को भी सुनने के लिए तैयार। श्रोता जो है क्या सुनना चाहता है उसकी मानसिकता को समझे बिना, जैसे आप भागवत वाले हैं, अब भागवत के वाले श्रोता बैठे हैं तो उसके भी वहाँ आप जो है कुरान का प्रसंग छेड़ देंगे या वेद की ऐसी बातें कहेंगे कि जो भागवत से मिलती ही ना हो, विरोधाभास करते हैं तो श्रोताओं के गले मिलते हैं। भागवत वाले अमूमन मूर्ति पूजा करेंगे, तो भागवत में भी मूर्ति पूजा का खंडन, लेकिन मंडन भी है और खंडन भी है, दोनों बातें। वेद में ऐसा नहीं है, वेद में जो शुरू में लिखा जाएगा आखिर में भी लिखा जाएगा। युवा वर्ग को क्या चाहिए, युवा वर्ग सीधे सपाट रास्ता खोजना चाहता है, वो झगड़ों में नहीं पढ़ना चाहता कि ये विद्वान क्या कर रहे हैं ये विद्वान क्या कर रहे हैं। आप उनके सामने सीधा रास्ता बताइए बिना किसी को बुरा कहे। आप जब बार बार किसी की आलोचना करेंगे, देखिए आलोचना और समीक्षा दोनों में अंतर होता है। समीक्षा का अर्थ क्या होता है, सम्यक इच्छा। सम्यक इच्छा किसको कहते हैं, सत्य को यथार्थ निष्पक्ष दृष्टि से देखना समीक्षा कर रहे थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। दयानंद समीक्षक है, आलोचक नहीं है। आलोचक किसको कहते हैं कि हमारी अच्छाई को भी बुराई के रूप में जो प्रस्तुत करे उसको आलोचक कहते हैं। समीक्षा किसको कहते हैं, निष्पक्ष रूप से हमारी अच्छाई को अच्छा कहे और बुराई को बुराई कहे। जैसे स्वामी दयानंद जी वहां जो पुष्कर में मंदिर है ब्रह्मा जी का, सन्यासी का घर द्वार तो उतना ही, कोई मंत्र तो थे नहीं कि कहीं होटल में बुक करवा लेते, तो मस्त लंबोदारी सन्यासी प्रवचन देते थे और पुष्कर मंदिर में चले जाते थे, ठहर जाते थे, ठहरने का स्थान था। पुष्कर के महंत जी उनको भोजन दे देते थे, जब वो भोजन लाते थे तो दयानंद जी हंसते हुए बैंक में करते थे कि पुजारी तुम तो पूजा के हरी हो, पूजा के शत्रु हो, ब्रह्मा जी को खिलाकर उनका जूठा मुझे दे देते हो, पुजारी को बहुत बुरा लगा, शिकायत पहुंची, महंत ने कर दिया कि अभी स्वामी जी को भोजन ना दो, भोजन तो बंद हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि वो इतने निर्भीक थे, एक बार वाइसराय ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए स्वामी जी, अब क्या चाहते हैं, कहते तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। वाइसराय दंग रह गया
कि हम अंग्रेजों के सामने इतनी बोलने की सामर्थ्य कौन रखता। तो देखिए, युवा वर्ग को दिल जीतना है तो आप निष्पक्ष भाव से विशाल हृदय लेकर उसको केवल सत्य बात बताएं, वो सत्य जानकर जिज्ञासु। रविशंकर जी ने युवाओं की इस मानसिकता को पहचाना, जबकि वासुदेवा ने पहचाना, कुछ कुछ रामदेव जी ने पहचाना। हमारे समाज के जो प्रवक्ता है वो इस कमजोरी को नहीं, ये इस मानसिकता को पहचान कर पाते हैं। तो परिणाम क्या होता है हमारे समाज में, देखिए युवा वर्ग वाणी से कमजोर है क्योंकि उसकी शंकाओं का समाधान नहीं हो पाता। हम तर्क से, प्रमाण से, युक्तियों से हम युवा वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि होता क्या है हमारे समाज में एक धारणा चला है बहुत पहले से, सेवा पूजा सिखा दो, मेहर सागर का गोटा पाठ करवा दो। ऊपर नाम क्या होता है, युवा वर्ग ये सब करने के लिए तैयार नहीं। जिसको फ्लाइट चलानी है उसको कहिए कि गले में तुम्हें कंठी बांधनी पड़ेगी, तो कंठी बांध कर तो फ्लाइट नहीं चलती। कई ऐसे बड़े बड़े पद होते हैं, अब कोई कंपनी का डायरेक्टर कोई बन गया, उसको कहे कि नहीं ये राज्य की दी हुई है तुम्हें कंठी बांधनी ही पड़ेगी, तो कहेगा कि इससे अच्छा तो मैं तारतम्य ही ना हूं। रूढ़िवादिता से युवा वर्ग बिल्कुल परेशान है, संकीर्णता से परेशान है, निंदा चुगली से परेशान है। इन चीजों से अलग हटकर हम वाणी के दार्शनिक तथ्यों को बताएंगे, जैसे जग्गी वासुदेवा की शैली क्या है, वो प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं, बढ़िया तरीके से बोलते हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो दुनिया का युवा वर्ग उनके पास जुड़ा हुआ है। आप सोचिए उनके यहाँ जाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ता है, हमें तो बुलाने के लिए बार बार फेसबुक पर डालना पड़ता है, फोन करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, एक समय में जग्गी वासुदेवा ने 20-20 घंटे काम किया, रविशंकर जी ने किया, तो ऐसे ही विश्व में नहीं फैले। महान लक्ष्य के लिए हमें परिश्रम करना सीखना पड़ेगा। जो हमारे समाज के धर्म प्रचारक हैं, धर्म उपदेशक हैं, उनको जग्गी वासुदेवा की तरह, रविशंकर जी की तरह, रामदेव की तरह कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा हूं कि युवा वर्ग इन चीजों से प्रभावित होता है कि आज के युग में हमें मिल क्या रहा है। हम देवचंद जी की बीतक सुना देते हैं, इस क्रबत सुना देते हैं, लेकिन हमारा प्रस्तुतिकरण उस स्तर का नहीं होता कि युवा वर्ग को संतुष्ट कर सके। जैसे रविशंकर जी का सिद्धांत है जीवन की कला, मानव जीवन को कैसे व्यतीत करें, तनावों से मुक्त कैसे रहें, सुदर्शन क्रिया का आधार लेकर, कुछ प्रवचनों का आधार लेकर दुनिया के कितने देशों में रविशंकर जी प्रिय हैं। इसका कारण क्या है, उन्होंने युवाओं को संतुष्ट किया, उनकी शंकाओं का समाधान किया। आज के युग में केवल आप इस क्रमत की बात सुनाएंगे कि हम परम धाम से आए थे, हमने माया का खेल मांगा था, हम ब्रजराज में आए थे, युवा वर्ग को ये सुनने की आदत नहीं। युवा वर्ग को आज के युग में कैसे शांति मिले जब तक ये नहीं बताएंगे, आप जो फिलॉसफी दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं वो युक्तियों के कसौटी पर खरी उतरती है कि नहीं। यदि खरी उतरती है तो स्वीकार कर लेगा। आप उसको कहिए कि देखो हम ब्रजराज की हम गोपियां हैं और हम सखियां हैं, हम पुरुष नहीं हैं, और हमको मेर सागर का गोटा पाठ करना पड़ेगा, चरणामृत प्रसाद लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इन बातों को सुनकर 90% युवा जो आज आधुनिक विज्ञान का हिमायती है कभी भी तारतम लेना नहीं चाहेगा। इसलिए हमारे समाज की बड़ी बड़ी हस्तियों के घर के युवा लड़के दूसरे पंथ पर चले जाते हैं, उनका स्वाध्याय मत के प्रति रुझान हो जाता है, जग्गी वासुदेवा के प्रति रुझान होता है, रविशंकर जी के प्रति रुझान होता है, क्योंकि वो समाज को कुछ दे रहे हैं। इस क्रबत केवल आध्यात्मिक आनंद के लिए, आज के युवाओं को इस क्रबत से कोई लेना देना नहीं है। जब उनका मन संतुष्ट हो जाए, वाणी का चिंतन करने लगे, तब आप उनको बताइए कि हाँ हम परम धाम की परमात्मा है, वहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, हमारी आत्मा ब्रज में गोपियों के तन में आई थी, लेकिन हम स्त्री नहीं है, हम स्त्री और पुरुष दोनों से परे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है। हमारे कहने का ढंग रूढ़िवादी है, पुरातन है और आज की पीढ़ी के अनुकूल है। इसलिए युवा वर्ग हमारे समाज से छिटकता जा रहा है,
हम दूसरे समाज के युवाओं को कहाँ से लाएंगे, हम अपने ही समाज के युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी गलती हमारा प्रचार तंत्र का कमजोर होना है, और इस गुण को सुधारे बिना हम युवा वर्ग को कभी भी उनमें से जोड़ नहीं।